जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं रजत चौहान आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज है 30 जुलाई, और 30 जुलाई के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कि आप लोगों को आंसर देना है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन मैं आपसे हर वीडियो के एंड में पूछता हूँ, तो जो भी साथी वीडियोज़ रेगुलर देख रहा है वो कमेंट करके आंसर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आज के करंट अफेयर जो हम स्टार्ट करते हैं, और आप सभी साथियों से कहूँगा कि सभी साथी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो भी साथी हमारा UP SSC PET की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए UP SSC PET एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो कब मनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट डेज़ वाले क्वेश्चन हम रेगुलर बेसिस पर देखते हैं कि क्या पता इनमें से कोई एक आधा जो है वो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है आपका 29 जुलाई 2022 को, ठीक है, यानी कि कल ये मनाया गया था। अब ये भी इम्पॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जो जो मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग वो रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहना। प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस मंथ के जो है वो हम करंट अफेयर अपने शुरू बहुत जल्द करने वाले हैं। अब देखिए इस बार की थीम क्या रही है, मेन इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है थीम। पूछ लेगा कि आपसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 मनाया गया है उसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इस बार देखिए इंडियन लॉन्चेस प्रोजेक्ट Tiger 2 रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। इंडियन लॉन्चेस प्रोजेक्ट Tiger 2 रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब भारत में कब शुरुआत हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये हुई थी 1973 में। इसी के साथ इम्पॉर्टेंट है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1992 में, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपका शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने Formula 1 से संन्यास की घोषणा की है, Formula 1 से। अब आप लोगों के माइंड में आया होगा, बहुत से बच्चों के माइंड में, क्योंकि देखिए शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था कि Formula 1 है क्या। देखिए Formula 1 रेस होती है, ये आप लोगों को सामने गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, इन गाड़ियों के बीच में रेस होती है, इसको हम Formula 1 रेस बोलते हैं। तो यहाँ से हाल ही में किसने संन्यास लिया है, जबकि वे 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पर जीत चुके हैं, उनका नाम है सेबेस्टियन वेल्ट, ठीक है, सेबेस्टियन वेल्ट, यहाँ पर ये इनका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा यहाँ पर की है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है, ठीक है, किन देशों को सदस्यता प्रदान की है। अब आप लोग खुद देख रहे होंगे लगातार 3 दिन से आईसीसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसी तरीके से कनेक्ट होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे बताया था इसका, दुबई में आप लोगों को हेडक्वार्टर बताया था, ठीक है। इन्होंने नए किन देशों को सदस्यता यहाँ पर दी है, तो कम्बोडिया को, उज्बेकिस्तान को और आइवरी कोस्ट को, इन 3 देशों को यहाँ पर ये सदस्यता प्रदान इन्होंने की है आईसीसी ने, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है, बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है किस राज्य में हुआ है, बोनालू महोत्सव इंपॉर्टेंट है, बोनालू महोत्सव, तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। इमेज आप लोगों को इसलिए दिखाई गई है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ पर माता की, काली माता की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो इसी को ये बोनालू महोत्सव कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका तेलंगाना से बना है, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है आपकी, हैदराबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आप लोगों का INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रांत जो है वो इसका सही आंसर है, INS विक्रांत जो है वो इसका सही आंसर है। और अब अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर अपने एक पिक्चर देख रहे होंगे कि ये कौन है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये आपके नौसेना के चीफ हैं एडमिरल R. हरि कुमार, ठीक है, नाम ध्यान रखना, R. हरि कुमार, ठीक है, नाम जो है वो आप लोग ध्यान रखना, R. हरि कुमार, ठीक है। तो ये स्वदेश निर्मित विमान है पहला INS विक्रांत, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस देश में 300 वर्ष बाद लोलो रोज नामक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है, तो देखो आपकी, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक हीरा है जो कि हल्का सा यहाँ पर गुलाबी रंग इसका होता है, तो ये 300 वर्ष बाद मिला है आपका अंगोला में,
जो कि आपका अंगोला कहाँ पर है, अंगोला है आप लोगों का ये साउथ आपका अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, नहीं सॉरी मध्य अफ्रीका में है ये, ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग चल रहा था, अफ्रीका में है ये, मध्य अफ्रीका में है, बिल्कुल कॉर्नर पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप लोगों को ये हीरा जो है ये मिला है, ठीक है, बहुत ही महंगा है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ये हीरा होता है, ठीक है। तो ये हल्का सा गुलाबी रंग का होता है, इसलिए आप लोगों को इमेज में ये दिखाया गया है, नाम ध्यान रखना, अंगोला में मिला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखिए बन जाते हैं आप लोगों के पीटी एग्ज़ाम्स में, या फिर जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। मेन मोटिव क्या है कि सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, क्योंकि रोज़ के हम 10 से 12 करंट के क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि महीने के अंदर अगर हम डेली के अगर हम 10 भी पढ़ रहे हैं तो महीने के अंदर हम 300-350 क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ेंगे। उन 300-350 क्वेश्चन में से 2 या 3 तो देखिए ज़रूर डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे आप, एक भी वीडियो स्किप नहीं करोगे, क्योंकि तभी यहाँ पर हमारा पढ़ाने का जो मोटिव है वो पूरा यहाँ पर आप लोगों के साथ हो पाएगा। आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट करते हो कि वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं, या कुछ कमी अगर आप लोगों को लग रही है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को आप पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहना वीडियो को। 7th क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी तमिलनाडु में। अब ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना क्या है? अब आपको पता है कि MDM आप लोगों को पता है, मिड डे मील, मिड डे मील क्या था, मध्यान्ह भोजन, जो कि आपको प्राइमरी स्कूल में दिया जाता है मध्यान्ह भोजन, जो बच्चों को लगभग हर स्कूल का टाइम अपना अपना होता है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो है बच्चों को देते हैं, यानी कि दोपहर का खाना जो है वो बच्चों को प्रोवाइड गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है। पर यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको नाश्ते की योजना भी जो है वो शुरू कर दी है, यानी कि बच्चों को सुबह नाश्ता भी जो है वो दिया जाएगा। उसका अलग से मेन्यू बनेगा कि किस दिन क्या चीज़ देनी है, या फिर एक ही मेन्यू रहेगा, जो भी रहेगा वो चीज़ बात की है। पर आप लोगों को ये जानना है कि तमिलनाडु पहला राज्य है भारत का जिसने नाश्ता योजना जो है वो शुरू कर दी है, और धीरे धीरे हो सकता है ये हर राज्य में जो है वो विकसित होती रहे और हर राज्य में ऐसा ही जो है व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है शुरू हुई है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल आप लोगों को पता ही होगी, चेन्नई। अलग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है कि मछली उत्पादन में शीर्ष पर है तमिलनाडु, पूरे भारत में मछली उत्पादन में सबसे ज़्यादा शीर्ष पर तमिलनाडु है, और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी इस बार तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, किसे डिस्टिंग्विश इंडो लॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार मिला है? नाम ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश इंडो लॉजिस्टिक फॉर 2021 पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है जेफरी आर्मस्ट्रांग को, ठीक है, जेफरी आर्मस्ट्रांग को ये मिला है, ठीक है। बैकग्राउंड के म्यूजिक पर ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक चलता है, तो इस वजह से यहाँ पर सुबह के टाइम पर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, ठीक है। आप लोग मेन फोकस कीजिए क्वेश्चंस पर, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चंस स्क्रीन पर सारे दिखाए भी जाते हैं, ठीक है। तो जेफरी आर्मस्ट्रांग को ये अवार्ड जो है वो मिला है। 9th क्वेश्चन है, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है? नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है, तो नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है देखिए आप लोगों का IIT मद्रास ने, ठीक है, IIT मद्रास ने ये लॉन्च किया है। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है 10th क्वेश्चन, DP वहलोंग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? DP वहलोंग, नाम ध्यान रखना, DP वहलोंग किस राज्य के नए मुख्य सचिव जो है वो बने हैं? तो ये बने हैं आप लोगों के मेघालय के, ठीक है, मेघालय के ये नए मुख्य सचिव बने हैं। कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? कॉनराड कोंगल संगमा, ठीक है, अलग सा नाम है ना, तो ये याद रखना है आप लोगों को, कॉनराड कोंगल संगमा। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताना, जो भी साथी वीडियो देख रहा है, कि अगर आप लोगों को स्टेट एंड कैपिटल्स की भी एक अलग से वीडियो चाहिए कि किस कौन सा राज्य हमारा क्या उसकी कैपिटल है, कौन उसके मुख्यमंत्री हैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों को वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप लोग खुद से कर सकते हो तो आप लोग खुद से ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला है? दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला है? तो ये मिला है औरंग नेशनल पार्क को, ठीक है, औरंग नेशनल पार्क को ये मिला है। अब यहाँ पर देखिए औरंग नेशनल पार्क की बात जो है वो आई है,
तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, तो ये आपका है असम में, ठीक है, असम में ये नेशनल पार्क है। और असम के अंदर आप लोगों को पता है काफ़ी सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और ये आपका एक औरंग नेशनल पार्क है, डिहलिंग पट्टिका नेशनल पार्क है, डिब्रू नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, तो ऐसे काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं। तो इसकी भी एक सीरीज़ अगर मेरे को, मेरे नोट्स रखे हुए हैं, अगर मुझे मिलती है तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर उसकी भी एक छोटी सी क्लास बना देंगे। तो आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सोच करके बताते रहा कीजिए, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हों कि इस चीज़ पर हम टॉपिक पर हमें थोड़ा सा तैयारी करनी है, तो उस चीज़ पर वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी, ठीक है। उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की भी और हमारी भी, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना पहला करेंसी चैट स्थापित किया है, करेंसी चेस्ट स्थापित किया है, सॉरी मैंने चैट बोला, चेस्ट स्थापित किया है, तो ये किया है आपका बंधन बैंक ने, ठीक है, ये बंधन बैंक ने जो है किया है, ठीक है। अब बंधन बैंक की यहाँ पर बात आई है, तो बंधन बैंक आप लोगों का 2001 में जो है वो बना था, 2001 में स्थापना दिवस था, और हेडक्वार्टर है बंधन बैंक का कोलकाता में, और चीफ हैं इसके अनूप कुमार सिंह, ठीक है, अनूप कुमार सिंह। चलिए अगला देखते हैं, तो यहीं पर हमारे आज के 12 जो है वो क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन होता है, कि दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र में शुरू हुआ है, तो ये आप लोगों को आज की वीडियो का आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। खेल से संबंधित है, पुस्तक से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, या कला से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र में शुरू हुआ है, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट अफेयर्स की सभी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर ही आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पर दिला सकता है। तो डेली बेसिस पर वीडियोस देखते रहो, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना आप लोगों का आज का आंसर। चलिए मिलते हैं, और हाँ, PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बन चुका है, उस पर मिल जाएगी। थैंक यू।